हेलो एवरीवान नेम इज स्नेहा सो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस एंड आपलाशन सो so, इनको हम देखने वाले हैं कार्टिशन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में so, सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालना इनको काफी टफ होता है कार्टिशन में हम काफ़ी इजिली निकाल लेते हैं लेकिन इन दो कॉर्डिनेट्स में काफ़ी टफ होता है क्योंकि हमें फॉर्मलीस पता नहीं होते हैं अब आप पूछो कि कहाँ पर यूज होते हैं तो so, जैसे भी हम इलेक्ट्रोनिक्स में देखते हैं ना जब हम पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करते हैं डिल स्क्र वी क्वल्स टू रॉप ऑन नॉट तो यदि हमें वी स्वेरिकल और सिलेंडिकल में गिवन होता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि हमें डेल स्क्वायर जो लापलाशन ऑपरेटर होता है वो सिर्फ हमें कार्टेशियन में आता है स्वेरिकल में या सिलेंडिकल में नहीं आता है तो हम पॉइजन इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाते तो आज हम फॉर्मूले देखेंगे और इनके थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे ठीक है इससे आपके ना सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बल्कि मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन भी इजिल सॉल्व हो जाएंगे ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर दैट इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन थैंक यू सो so, हम पहले देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है तो डेल ऑपरेटर को यदि हम स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं लेकिन डेल ऑपरेटर को हमने वेक्टर फंक्शंस पे ऑपरेट किया वाया डॉट प्रोडक्ट तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे और डेल ऑपरेटर को हमने वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट किया लेकिन वाया क्रॉस प्रोडक्ट तो हम उसको कर्ल बोलेंगे तो सी so, से कर्ल और सी से क्रॉस प्रोडक्ट तो जब भी हम क्रॉस यूज करेंगे तो हम उसको कर्ल बोलेंगे यदि हमने डॉट यूज किया है तो हम उसको डायवर्जें बोलेंगे लेकिन यदि हमने डेल को स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट किया है तो उसको हमको ग्रेडेंट बोलेंगे ओके तो हमने देखा कि डेल को जब हम स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं इसका जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और हमें पता है कि वेक्टर की दो चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन सो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन उस फंक्शन का मैक्सिमम रेट चेंज वो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होगी अलॉन्ग द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इसको ही हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं क्योंकि जैसे हम फंक्शन पे ग्रेडियंट ऑपरेट करते हैं तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेडियंट गिव द डायरेक्शन टू

सो so, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ क्या होगा टेम्परेचर ग्रेडेंट होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन ठीक है और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वह यहां से लेफ्ट टू राइट तो ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी किसकी टेम्परेचर ग्रेडियंट की तो टेम्परेचर ग्रेडियंट या कोई भी ग्रेडियंट जो होता है वो फंक्शन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इसे ग्रेडियंट को हम डायरेक्शन डेरिवेटिव बोलते हैं सो so, ये ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मुला है क्या है जैसे हम ग्रेडियंट को स्केलर फंक्शन ए पर ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है वन अपॉन एच वन डेली अपॉन डेल यू वन ई वन कैप प्लस वन अपन एस टू डेल ए अपॉन डेल यू टू ई टू कैप प्लस वन अपॉन एच थ्री डेल ए अपॉन डेल यू थ्री थ्री कैप जो यू वन ई टू थ्री क्या है डायरेक्शन को बता रहे हैं जनरल में लिखा है इसलिए हमने ई e का यूज किया है एच वन एस टू एच थ्री क्या है लैम कॉफिशियंट है ओके ये हम देखेंगे कि क्या क्या होता है ये कॉर्डिनेर सिस्टम में ओके ये लैम कॉफिशेंट है अभी याद रख लीजिए आपको ग्रेडियंट के लिए ये फॉर्मुला याद रखना है कि एच वन एस टू एस से नीचे आएगा ठीक है डेल ए अपॉन डेल यू वन यू टू यू थ्री करना है ये चीजें आपको याद रखनी है ओके ये लैम कॉपिशियंट है आपको लैम कॉपिशंट याद रखने हैं जब भी हम जो भी कॉर्डिनेट सिस्टम यूज लेंगे और एच यहाँ पर भी आएगा आपको ये चीजें पुट करनी है तो कार्टेशियन कॉर्डिनेट में एच वन क्या होता है वन एस टू होता है वन और एस टी भी होता है वन स्फेरिकल कॉर्डिनेट क्या होता है आर थीटा और फाइव जब भी स्फेरिकल कॉर्डिनेट आता है तो एच वन होता है वन एस टू होता है आर और एस टी होता है आर साइन थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यदि रॉ फाई और जेड है तो एच वन होगा वन एस टू होगा रॉ और एस टी होगा वन तो आपको लैम कोफिशिएंट याद रखने हैं जैसे कि आपको मैंने पहले बताया ई क्या है डायरेक्शन को बता रहा है तो कार्टिशन कोऑर्डिनेट में ई e क्या होता है आई कैप वाई जे कैप और के कैप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा आर कैप थीटा कैप फाई कैप और स्पिलडिकल कोऑर्डिनेट में रॉफ रॉ कैप फाई कैप और जेड कैप ओके सो इस तरह से ये क्या होते हैं हमारे कार्टिशियन स्पेरिकल और सिलैंडल कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन होती है तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है अब हम क्या करने वाले हैं लैम कोएफिशिएंट जो हमने देखे थे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो यहाँ पर पुट करेंगे डायरेक्शन को पुट करेंगे और हमारा जो ग्रेडियंट डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आ जाएगा ठीक है हम कार्टिशन स्पेरिकल एंड सरेंडिकल में ग्रेडियंट को देखते हैं फॉर्मुला क्या है हमारा वन अपॉन एच वन डेल ए अपॉन डेल यू वन ई वन कैप हमें पता है एच वन एस टू एस थ्री कार्टिशन में क्या होता है एक्स वाई जेड क्योंकि कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई वाई कैप वाई कैप एंड डेल ए अपॉन डेल जेड जेड कैप ओके ये यहां पर आ गया तो हमें जनरल फॉर्मूला याद रखना है इसका ओके okay, अब इस फेरिकल की बात करते हैं तो स्पेरिकल में हमें पता है क्या होगा आ, जो डायरेक्शन होगी वो होगी आर कैप थीटा कैप फाइव कैप यू वन यू टू यू थ्री क्या होगा आर थीटा एंड फाइव और एच वन एस थ्री एस सी क्या होगा वन आर और आर साइन थीटा, थीटा वैसे हम इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा आ, हम क्या आएगा आ, वन डेल ए अपॉन डेल आर आर कैप प्लस वन अपॉन आर डेल ए अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेली अपॉन डेल cap फाई कैप ओके यहाँ पर देखा क्या आएगा upon R अपॉन डेल आर आर कैप वन अपॉन आर डेली अपॉन डेल थीटा कैप वन अपॉन आर साइन थीटा डेली अपॉन डेल फाइ फाई कैप ये हो गया हमारा स्वेरिकल में स्फेरिकल में देखते हैं हमें पता है एच वन एस टू एस थ्री क्या होगा वन रो वन यू वन यू टू यू थ्री क्या होगा रो फाई एंड जेर क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है और इनके डायरेक्शन क्या होगी रो cap फाइ कैप एन j कैप ठीक है जेड कैप तो जैसे हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा डेल ए अपॉन डेल रो रो कैप प्लस वन अपॉन रो डेल ए अपॉन डेल फाइव फाइव कैप फाइव कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड कैप ये हमारा क्या हो गया ग्रेडियंट हो गया सिलेंडिकल इस कोऑर्डिनेट में हमें जनरल फॉर्मूला याद करना रखना है लैम कॉफिशन इन, इनको याद रखने एंड देन फिर इनको अप्लाई करना है ओके हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में तो देखा है कि सिर्फ आर ही आता है इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आर थीटा फाइव रो फाइव जेड आता है यदि सिर्फ आर आता है और ग्रेडियंट निकालना है और आर की पावर भी एन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है क्या एन आर एन माइनस टू आर वैक्टर ओके सो इस ग्रेडियंट में क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा एक वैक्टर क्वान्टिटी देता है तो यहाँ पर भी आर वैक्टर आएगा ओके डाइवर्जेंस यदि आर की पावर एन है और उसका डाइवर्जेंस निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एन प्लस थ्री आर की पावर एन ठीक है तो इन दो फॉर्मूले से आप आर की कोई भी चीजें निकाल सकते हो एक क्वेश्चन देखते हैं एक ऑफ़र को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया है और ये ऑफर दिया जा रहा है आई एफ ए एस अकेडमी के थ्रू क्या ऑफ़र है ये मेगा डिस्काउंट दे रहे हैं सिक्सटी परसेंट का ऑफ दिया जा रहा है सी एस आई नेट के कोर्सेज़ पर मैंने पहले वीडियो में बताया था ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर की लास्ट डेट थी लेकिन स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी इसलिए इन्होंने इसको और एक्सटेंड कर दिया है ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे कौन सा प्रोमो कोड आई एफ ए एस एन ई टी जैसे आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करोगे ना आपको कोर्सेज कौर्स, कोर्सेज पर मेगा डिस्काउंट मिलेगा सिक्सटी परसेंट का ऑफ ओके मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं काफी मेल आए कि मैम ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बताओ तो यहाँ पर जाकर आप इनरॉल कर सकते हो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं यदि आपको और इफॉर्मेशन चाहिए तो इनकी साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं इनकी साइट है डब्ल्यू 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 डॉट आई एफ ए एस ऑनलाइन डॉट कॉम ठीक है और यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो को कॉल भी कर सकते हैं इनके टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी है इनकी ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत अच्छी है तो आपको यदि दोनों में से कोई भी कोचिंग लेनी है तो आप इनकी साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं इनरोल कर सकते हैं और जो सिक्सटी परसेंट को ऑफ ये मेगा डिस्काउंट दे रहे हैं उसका भी फायदा उठा सकते हैं ओके

डायरेक्शन को डाइवर्जेंस नहीं बताता है ठीक है तो सिर्फ क्वानिटिटी को क्वांटिटी को बताने के लिए हम डाइवर्जेंस का यूज करते हैं कि वो उस एक पॉइंट पर एक वेक्टर फील्ड कितना स्प्रेड आउट हुआ है ओके तो यहाँ पर दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक पॉइंट से यदि फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस पॉइंट को बोलेंगे हम सोर्स ठीक है और इस पॉइंट के पास यदि फील्ड लाइन अंदर की ओर क्या और इनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस और इस पॉइंट को हम बोलेंगे सिंक यदि कोई पॉइंट नहीं गिवन है और फंक्शन जो फील्ड लाइन है वो स्प्रेड आउट नहीं हो रही है इस तरह से है एक कर्ड बना रही है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा जीरो होगा इस ए को क्या बोलेंगे सोलिडाइड वैक्टर एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं कि यदि ए सोलिडाइड वैक्टर है आ, तो आ, इसका डाइवर्जेंस निकालो तो ऑब्वियसली इसका डाइवर्जेंस क्या होगा जीरो होगा ठीक है यदि ऐसे भी बोल सकते हैं ए यदि सोलिनॉइड है और ए में कुछ ए बी सी वेरिएबल्स हैं तो इसके वेरिएबल्स निकालो तो हमें पता है सोलिनॉयडल के लिए डाइवर्जेंस जीरो होता है डाइवर्जेंस जीरो करके हम उसके ए बी सी निकाल लेंगे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सो ये डायवर्जेंस का जनरल फॉर्मूला है और यही आपको याद रखना है ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्डिनेंट सिस्टम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो यदि आपको लैम कॉफिशियंट पता है तो डायवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री जो कि हमारे क्या है लैम कॉफिशियंट हैं अब करना क्या है क्योंकि ए क्या है वैक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको ए वन ए टू ए थ्री में ब्रेक कर सकते हैं ईजिली स्केलर को नहीं कर सकते लेकिन वेक्टर को कर सकते हैं अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर यू वन रखेंगे ना तो ए वन यूज करेंगे यू टू रखेंगे तो ए टू यू थ्री रखेंगे तो ए थ्री लेकिन लैम कॉपिशन उसके अलग आएंगे जैसे यहाँ पर हमने ए वन रखा तो लैम का विश्वन आएंगे एस टू एस थ्री यहाँ पर ए टू रखा है तो लैम कॉप्शन आएंगे एच वन और एस थ्री और यहाँ पर यू थ्री रखा है तो ए थ्री रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर लैम का ऑप्शन आएंगे एच वन और एस टू ठीक है एक बार पूरा देख लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा वन अपॉन एच वन एस टू एस थ्री ब्रैकेट में डेल अपॉन डेल यू वन ए वन एस टू एस थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू टू एच वन ए टू एच थ्री प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री एच वन एस टू एंड ए थ्री ओके okay. सो so, ये जनरल है आपको याद रखना है और उसको फिर अपन कार्टेशियन में सिलेंडिकल में स्पेरिकल में पुट करेंगे ओके okay. सो so, हम इस कार्टिशन स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल में डाइवर्जेंस को देखते हैं सो so, हमें जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है वन अपॉन एच वन एच टू एस थ्री डेल अपॉन डेल यू वन ए वन टू एस थ्री इसी तरह से हम और में भी लिखते जाएंगे सो so, हमें पता है कार्टेशियन में एच वन s3 टू एस क्या होते हैं वन 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 तो इसको जैसे हम पूरा लिखेंगे तो क्या हुआ डेलापॉन डेल एक्स ए एक्स एच वन एस टू एच टू एस वन ठीक है प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई क्योंकि और तो क्या होंगे वन हो जाएंगे प्लस डेलापॉन डेल जेड ए जेड ठीक है तो यही हमारा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स ए वन टू थ्री के लिए पार्टीशन में काफी सिंपल होता है को निकालना और ये क्या स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी ओके अब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं फॉर्मुला सेम है डेल यू वन ओके तो जैसे हमको पता है एच वन एस टू एस सी क्या है आर थीटा R, R, क्या हो जाएंगे थीटा एंड फाइव जैसे हम इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा के uh, के लिए R के लिए क्या आएगा जैसे हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ओके डेल अपॉन डेल आर ए आर रखेंगे एस टू एस सी एस टू एस सी क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर साइन थीटा ओके ये तो हमारी हमारी फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म अब जैसे हम इसको थीटा रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा ए टू तो ए टू जाएगा ए थीटा और एच वन एस सी क्या हो जाएंगे आर साइन थीटा ओके ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या होगी ए फाइव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए फाइव और, और क्या हो जाएगा एच वन एस टू और एच वन एस टू क्या होंगे आर ओनली ठीक है तो जैसे इसको एक साथ लिखेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगी ओके okay? क्योंकि ये आर के रेस्पेक्ट में है तो ये थीटा टर्म बाहर आ जाएगी ठीक है बाहर आ जाएगी और यहाँ पर आर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी आर बाहर आ जाएगा क्यों क्योंकि ये थीटा और फाइव के रेस्पेक्ट में है हम डाइवर्जेंस को सिलेंडिकल के लिए निकालते हैं फॉर्मूला सेम रहेगा हमें यू वन टू यू थ्री क्या होंगे रो फाइव क्यों क्योंकि ये सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट है ओके okay, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा वन अपॉन रो तो बाहर आ जाएगा डेल अपॉन डेल यू वन क्या हो जाएगा डेल रो ए वन की जगह ए रो एस टू एस सी की जगह रो ठीक है क्योंकि ये एस टू एस सी होंगे तो रो प्लस डेल अपॉन डेल फाई आ जाएगा यहाँ पर यहाँ ए फाई आ जाएगा और यहाँ पर एच वन एस टू क्या होंगे एच वन एस थ्री क्या होंगे वन तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस डेल अपॉन डेल जेड आएगा ए जेड आएगा क्योंकि अपन ए थ्री हैं तो आप एच वन एस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर रो आ जाएगा तो जैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है अब ये रॉ के रिस्पेक्ट में है तो रो तो अंदर ही रहेगा ये ऐसे कैसे रहेगा लेकिन ये जेड के रिस्पेक्ट में तो रॉ बाहर आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये आ जाएगी इन दोनों में से आप ये वाला ज़्यादा सही है रखना तो आपको ए जेड पता है कोई फंक्शन पता है उसका डाइवर्जन निकालना है तो आप ये वाला यूज़ करना ठीक है सिलेंडिकल में अब हम कर्ड को देखते हैं उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे एंड देन फिर हम जनरल प्रॉमला देखेंगे हमें पता है कि डेल ऑपरेटर को जब हम वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं वाया क्रॉस प्रोडक्ट तो उसको हम कर्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? और इसकी जो प्रोडक्ट बनकर आता है या जो उसका आंसर होता है वो एक वैक्टर क्वांटिटी होता है क्यों क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तो उसका जो आंसर होता है वो एक वैक्टर क्वांटिटी ही होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो क्या होता है ये बताता है कि वो वैक्टर क्वांटिटी है कितना ट्विस्ट हुई है हाउ मच ए वैक्टर क्वांटिटी ट्विस्ट ये वैक्टर फंक्शन या वैक्टर क्वांटिटी कितना ट्विस्ट हुआ है वो किसको बताएगा कर्ल ही इसको बताता है ठीक है और इसका जो क्वांटिटी इसका जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो भी एक वैक्टर क्वांटिटी होता है ऑब्वियसली वैक्टर के क्या होते हैं मैग्नेट्यू और डायरेक्शन होते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उस वैक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर फंक्शन है कितना ट्विस्ट हुआ है मैक्सिमम सर्कुलेशन कितना हुआ है वो इसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलेशन होगा इस सर्कुलेशन के परपेंडिकुलर में इस की क्या होगी डायरेक्शन होगी ओके तो जैसे हमने किया डेल क्रॉस ए किया सो इस इस वेक्टर का कितना ट्विस्ट हुआ है ये कौन बताएगा इस कर्ल्ड को बताएगा ठीक है तो इसका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बताएगा कि ये वेक्टर कितना ट्विस्ट हुआ है और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगी ओके कर्ल मतलब कोई फंक्शन कितना ट्विस्ट हुआ है और मान लो कोई ट्विस्ट ही नहीं हुआ ये फंक्शन ट्विस्ट होने वाला नहीं है मतलब एक फंक्शन ऐसा है जो इोटेशनल है रोटेशनल नहीं है तो उसका कर्ल क्या होगा उसका कर्ल क्या होगा जीरो तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे रखा है कि एक फंक्शन है एक वैक्टम फंक्शन है वो इोटेशनल है ऑब्वियसली तो उसका कर्ल क्या होगा जीरो होगा तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं हम जनरल फॉर्मुला देखने का तो डेल क्रॉस ए ए ऑब्वियसली क्या है? एक व्यक्त क्वांटिटी है तो हम इसको ए वन ए टू ए थ्री में लिख सकते हैं ठीक है क्या करना है हमें अपॉन करना है एक तरह से ये क्या हो गया मैट्रिक्स हो गई इसके मैट्रिक्स के ऊपर हमने कैप मतलब डायरेक्शन को रखना है ई वन कैप एच वन ई टू कैप एस टू थ्री कैप एस थ्री एच वन एस टू एस सी क्या है लैम कॉफिशियंट ठीक है सेकंड वाले रो में क्या रखना है डेल अपॉन डेल यू वन डेल अपॉन डेल यू टू डेल अपॉन डेल यू थ्री नीचे क्या रखेंगे यहाँ पर हम वेक्टर रखेंगे प्लस रखेंगे ओके ओके तो सो तो आपको ये जनरल फॉर्मुला याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट आपको इसमें एच वन एस टू एस थ्री लैम कॉपिशन पुट करके ही कार्टेशियन कार्टिशनिकल स्टेडिकल कोऑर्डिनेट निकालने हैं ओके आपको और कोई याद रखना नहीं है कार्टेशियन एस्फेरिकल कोऑर्डिनेट मैं बतातू रही हूँ लेकिन आपको याद नहीं रखना है आपको याद सिर्फ ये रखना है और इसकी लैम कॉपिशन याद रखना है ओके So, हम क्या करते हैं कार्टिशन में देखते हैं कर्ल्ड को हमको पता है एच वन एस टू एस थ्री लाइन क्या होता है वन 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 यू वन यू टू यू थ्री क्या होंगे एक्स वाई जेड ठीक है तो वन अपॉन यहां पर क्या जाएगा वन आ जाएगा मेट्रिक्स uh, के अंदर क्या आ जाएगा एच वन एक्सप्रेस वन 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 तो वन 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 रहेंगे और ए वन ए टू ए थ्री की जंगे ए वन ए टू थ्री भी रख सकते हो और ए एक्स ए वाई ए जेड भी रख सकते हो तो मैट्रिक्स में क्या एक्स वाई कैप जेड कैप डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल डेल जेड ए एक्स ए वाई एन ए जेड ओके अब हम स्पेरिकल कॉर्डिनेट में देखते हैं हमको पता है एच वन एस टू एस सी लैम का आर थीटा क्या होंगे एंड फाइव एंड यू वन यू टू थ्री क्या होंगे आर कैप थीटा कैप एंड फाइव कैप ओके तो जैसे हम इसको फॉर्मुले में पुट करते हैं तो हमको पता है वन अपॉन एच वन एस टू एस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अब यहाँ पर एच वन एस टू एस सी की वैल्यूज भी पुट करनी है तो ये क्या होगा आर कैप ठीक है एस टू की वैल्यू क्या होगी आर थीटा कैप एस सी क्या होगा आर साइन थीटा

यू वन यू टू यू क्या होंगी रो फाई जेड और ई वन यू टू इसी कैप क्या होंगी रो कैप फाइ कैप एंड जेड कैप जैसे हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 upon H1, S2, S3, क्या होंगे रो ठीक एच वन की जगह वन रो कैप एस टू की जगह रो फाई कैप एस सी की जगह वन एंड जेड कैप रो डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाइव डेल अपॉन डेल जेड एच वन की जगह वन ए रो एस टू की जगह रो फिर ए फाई एंड एच सी की जगह वन ए जेड ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा क्या ंडल कोऑर्डिनेट में तो जब भी, भी आपको कोई फंक्शन दे रखा हो और वो सिलेंडिकल कोऑर्डिनेट में हो और कर्ल निकालना है तो आप ये वाला यूज करोगे ठीक है और सिलेंडिकल दे रखा है तो आप ये वाला यूज करोगे जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्ने मैग्नेटिज्म में देखा होगा डेल क्रॉस ए निकालना होता है हमको ठीक है डेल क्रॉस ए क्या होता है हमारा? तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो यदि ए को ए दे रखा है हमें किस में रो फाई और जेड में और कर्ल निकालना है तो हमें फिर ये वाला फॉर्मला यूज करना पड़ेगा ओके हम लापलाशन ऑपरेटर का जनरल फॉर्मुला देखते हैं क्या होता है वन अपॉन एच वन एस टू एस थ्री ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा ठीक है अंदर कैसे याद रखना है क्योंकि डेल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली डेल अपॉन डेल बार दो बार आएंगे ठीक है तो याद कैसे रखना है डेल अपॉन डेल यू वन एक बार तो बाहर आएगा इसके अंदर क्या होगा क्योंकि यू वन बाहर है ना नीचे की तरफ एच वन आएगा लाइम कोएफिशिएंट एच वन नीचे आएगा एंड एस टू एस थ्री एंड फिर डेल ए अपॉन डेल यू वन इसी तरह से हम यू टू के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा टू ये भी टू येगा एच वन एच थ्री और ये हो जाएगा डेले अपॉन डेल यू टू ठीक है एंड थ्री के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री के लिए ये हो जाएगा थ्री एच थ्री हो जाएगा ये हो जाएगा एच वन एस टू डेले अपॉन डेल यू टू इस तरह से हम इसको प्लस प्लस करके डेल स्क्वायर ए लिख देंगे ठीक है so सो जैसे कि वन अपॉन एच वन एस टू एस थ्री डेल अपॉन डेल यू वन एस टू एस थ्री अपॉन एच वन डेले अपॉन डेल यू वन डेले अपॉन डेल यू टू क्या आएगा एच वन एस थ्री अपॉन में एस टू डेल ए अपॉन डेल यू टू प्लस डेल अपॉन डेल यू थ्री अपॉन में क्या आएगा अपॉन uh, में एस थ्री आएगा और इसके ऊपर आएगा एच वन एस टू तो एच वन एस टू अपॉन एस थ्री डेल ए अपॉन डेल यू थ्री तो ये हमारा लापरेशन का जनरल फॉर्मूला है आपको इसी को ही याद रखना है ठीक है हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं तो क्या होते हैं एच वन एस टू एस थ्री लाइम का वन 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 होता है यू वन यू टू यू थ्री एक्स वाइव जेड होते हैं जैसे हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा वन 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 है तो क्या होगा ये वन बाहर में वन आएगा

ठीक है यू वन यू टू यू टी देखे होंगे आर थीटा एंड फाइव तो जैसे हम इसको पुट करेंगे तो वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा ठीक है एच वन पहले वन आएगा और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा आर थीटा ठीक देल है ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ठीक है सेकेंड टर्म क्या होती है थीटा वाली तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा ठीक है यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर एस टू वाली टर्म आएगी एस टू क्या है आर और यहाँ पर क्या आएगा आर साइन थीटा डेले अपॉन डेल थीटा ये हमारी सेकंड टर्म हो गई ओके एंड थर्ड टर्म क्या होगी हमारी फाइव वाली ये हो गया हमारा फाइव क्योंकि थर्ड टर्म है तो नीचे आर, H th, uh, H आएगा तो एच थ्री क्या आर साइन थीटा ऊपर एच वन एच टू आएगा मतलब आर डेल ए अपॉन डेल फाइव ठीक है तो ये हमारी तीन टर्म हो गई इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो ठीक है इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये ये वाला आएगा तो आप इसको ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप इसको सॉल्व कर लेना तो सॉल्व करोगे ना तो आपका ये वाला आएगा सॉल्व करना है मतलब कि जैसे कि ये आर के टर्म रेस्पेक्ट में है तो थीटा वाली टर्म बाहर आ जाएगी ये थीटा के रेस्पेक्ट में तो आर टर्म तो कैंसिल ही हो गई ये आर आर कट गया थीटा की टर्म बाहर आ जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा वन अपन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो इस तरह से सॉल्व करने पर आएगा ठीक है तो so, हम स्लैंडिकल कोऑर्डिनेट में देखते हैं हमें पता है लाइन का क्या होता है स्लैंडिकल कोऑर्डिनेट में वन रो एंड वन यू वन यू टू यू थ्री क्या होंगे रो फाइव एंड जेड जैसे हम उसको फॉर्मुले में पुट करेंगे तो वन अपॉन रो तो बाहर आ जाएगा ठीक है एंड देन डेल अपॉन डेल यू वन यू वन क्या है हमारा रो रो आ जाएगा फिर अपॉन अपन अपॉन में एच वन आएगा तो एच वन क्या है वन यहाँ पर वन आ जाएगा एच टू एच सी को मल्टीप्लाई करना है तो रो ऊपर आ जाएगा डेल ए अपन डेल रो हो जाएगा ठीक है तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई टर्म क्या होती है यू टू तो डेल अपॉन डेल फाइव हो जाएगा ठीक है यू तो टू नीचे आएगा और एस टू हमारा क्या है रो तो रो वन डेल ए अपॉन डेल फाइव हो जाएगा ठीक है थर्ड टर्म हमारी क्या है जेड तो यहाँ पर जेड आ जाएगा ठीक हाँ है लेकिन यहां पर एच थ्री आता है एच थ्री क्या है वन तो वन तो नीचे रहेगा एंड रो ऊपर आ जाएगा तो डेल ए अपॉन डेल जेड इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन आ जाएगी ठीक है इसमें ये वाला रो तो अंदर ही रहेगा ये वाला रो बाहर आ जाएगा क्योंकि फाइव के रेस्पेक्ट में है ये वाला रो भी बाहर आ जाएगा क्योंकि जेड जाए के रेस्पेक्ट में तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से ठीक है सो आपको जनरल फॉर्मुला याद रखिए इसको सॉल्व करना है देखो ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्वेश्चन है आर, आर की पावर फोर फाइव आर जीरो है आर वन, देन निकालना है यहाँ पर जो चीज होती है ना वो निकालना है यहाँ वाली चीज दे रखी है ठीक है तो हम एक फॉर्मूला हमने अभी देखा आर की पावर एन क्या होता है एन आर एन माइनस टू आर वैक्टर इसको इससे बैलेंस कर लेंगे हमको पता है ये पता है हमको

ठीक है तो जीरो होना चाहिए वन रखने पर जैसे हम आर इक्वास टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा तो ये प्लस सी कर देंगे हम ठीक है इसको प्लस सी कर देते हैं एक कॉन्स्टेंट बना देते हैं तो हमारा फाइव आर बेसिकली है क्या माइनस का वन अपॉन थ्री आर की पावर माइनस थ्री प्लस सी आर इक्वास टू रखते हैं तो ये जीरो कर देंगे माइनस का वन ऑफ थ्री प्लस सी तो सी क्या हो जाएगा वन पॉइंट थ्री कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइव निकल के आया हमारा माइनस का वन ऑफ थ्री आर की पावर माइनस थ्री प्लस वन थ्री तो एक उस वाले फॉर्मूले से देखो ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन देखते हैं हम एक वैक्टर दे रखा है आर एन आर वैक्टर विल बी सोलिनॉइड तो ये एन पता करना है हमको हमें पता है कि कोई भी एक वेक्टर मान मान लेते हैं एफ इक्वल टू दिस है और ये जो एफ है वो क्या है सोलिनॉइड है और कोई भी सोलिनॉइड होता है तो डाइवर्जेंस क्या होता है इसका जीरो तो मतलब डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर कितना होगा जीरो हमें पता है ये कितना होगा जीरो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले तो हमें पता है इसको सॉल्व करने पर क्या आता है एन प्लस थ्री आर की पावर एन To zero. तो ये तो हो ही नहीं सकता तो हम इसको जीरो तो तो okay. हमने जो फॉर्मूले देखे थे उसको से अप्लाई करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं इफ द इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंशियल इन द स्पेरिकल्डिनेट इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंशियल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है क्या है फाइ आर क्या है फाइव नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन आर डॉट मतलब यहां पर आर के फॉर्म में ही है तो हमको ये निकालना है क्या डेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे ठीक है तो इसके लिए हम स्फेरिकल कॉर्डिनेट वाला लापलाशन यूज करेंगे थीटा और फाइव यूज नहीं करेंगे सिर्फ लापलाशन वाला यूज करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ओके एंड क्या करेंगे डेल अपॉन डेल आर तो यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि डेल ए अपॉन डेल आर यहां पर आ जाएगा यहाँ अंदर की तरफ क्या आएगा वन आर स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा सेंटर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल ए अपॉन डेल आर ये एक है हमारा यहाँ पर फाइव है आपको पर पुट करना है और इसको करना है और आंसर आ जाएगा ठीक है? तो तो है।, तो है।, है।, तो है वो मल्टीप्लाई में करना है। तो हम आपको चार डेंसिटी निकल जाएगी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना वो एफ आर तो है साथ में कॉसिटा भी है तो हमको एफ आर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा डेल पड़ेगा ओके इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं हमें डेंसिटी के बारे में गिवन नहीं है ठीक है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो तो डेली होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे सॉल्व करेंगे एंड देन उसको हम फाई आर निकालेंगे तो एक बार आप सॉल्व करके देखना ठीक है सो दैट इज माय साइड इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रेस एंड दम द बटन थैंक यू